बीटेक है और पॉलिटेक्निक, ये बेचारा बैगन बेच रहा है बीटेक वाला, ये देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर आईटीआई वाला, यहाँ पर सिंगरा और ये यहाँ पर तल रहा है। मोदी जी क्या बोलते हैं, पकौड़ा बेचिए है। हाँ। तो दिखा रहे हैं हम लोग, बोले 2 लाख 2 करोड़ रोजगार दें, क्या मिला, कुछ तो नहीं मिला। पुष्पा स्टाइल में यहाँ पर दिया है आर ब्लॉक यूनिक क्लब झुकेगा नहीं साला, ये ऐसे ही बीएड कर लीजिए, आप भी ऐसे ही सड़क पर भटकिएगा। ये बीएड की स्थिति है, ये आईए की स्थिति है, ये प्रदर्शनी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं अपने देश की स्थिति और अपने बिहार की स्थिति देख करके, कुछ समय हंस भी रहे हैं, कुछ समय रो भी रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि ऐसा प्रदर्शनी पहली बार लगा है, और रो इसलिए रहे हैं कि ये बिहार का भविष्य है, ये इस देश का भविष्य है। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक सब्जी वाला है वहाँ पर, तो मतलब क्यों ऐसा आप किए, पॉलिटेक्निक को सब्जी वाला बना दिया यहाँ पर? क्योंकि अभी यही हो रहा है बिहार में, यही बिहार में हो रहा है जी। ये आईटीआई जो है यहाँ पर, आईटीआई वाला यहाँ पर सिंगरा और ये यहाँ पर तल रहा है, इसकी स्थिति देख लीजिए, बेचारा सामने में आईटीआई किया हुआ है, सिलेंडर ले लिया है, और यहाँ पर जो है समोसा जो है यहाँ पर तल रहा है। और इधर देख लीजिए एमबीए वाले को देख लीजिए, ये हाथ में यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर ले लिया है, पता नहीं जो भी क्या ले लिया है, यहाँ पर ये भी स्टैचू करके खड़ा हो गया है। और भी अगर स्थिति आप देखिएगा तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको और स्थिति दिखाता हूँ। ये आर ब्लॉक का ये गोलंबर है, और आर ब्लॉक गोलंबर पर देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, ये पुष्पा स्टाइल में यहाँ पर दिया है आर ब्लॉक यूनिक क्लब झुकेगा नहीं साला, ये पुष्पा स्टाइल में है, और यूनिक क्लब जो है यहाँ पर प्रतीकात्मक विरोध कर रहा है। और स्टैचू के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ की स्टैचू, हमारी देश की जो स्थिति है, ये युवा का जो स्थिति है, पूरा ये यूनिक क्लब जो है यहाँ पर दिखा रहा है, यूनिक क्लब आर ब्लॉक। ये बीटेक वाले को देख लीजिए, बीटेक है और पॉलिटेक्निक, ये बेचारा बैगन बेच रहा है बीटेक वाला, ये देख लीजिए यहाँ पर बैगन बेच रहा है, देखो बैगन गिर भी गया है, और आप देख सकते हैं बैगन, मूली, आलू, पटल, ये सब जो है हाथ में तराजू ले करके बीटेक करके ही बेचारा बेच रहा है, इसका तराजू एकदम समतल है, देख लीजिए अब सामान बराबर हो गया है ये बेचारा, इवन कि धनिया भी बेच रहा है, गोभी भी बेच रहा है। हंसी इस बात की हो रही है, और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, हंसी इस बात की हो रही है कि आज छठ का दिन है और शाम का अर्घ है, और आज सामने में ये प्रदर्शनी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं अपने देश की स्थिति और अपने बिहार की स्थिति देख करके, कुछ समय हंस भी रहे हैं, कुछ समय रो भी रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि ऐसा प्रदर्शनी पहली बार लगा है, और रो इसलिए रहे हैं कि ये बिहार का भविष्य है, ये इस देश का भविष्य है, इसी कारण से। इधर बीटेक वाले को देख लीजिए, ये भी हाथ में ये लेटर ले करके तब से यहाँ पर खड़ा हुआ है। और भी अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर बीएड वाले की भी स्थिति सेम दिखाई गई है। और भी इधर आप आ जाइए, इधर आप दिखा दीजिए जो बीएड वाले की स्थिति कैसी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आईए और बीएड, ये दोनों की स्थिति इतनी ख़राब है हमारे बिहार में, कहा जाता है अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप बीएड कर लीजिए, लेकिन बीएड की जो स्थिति है, लोग कहा जाता है बीएड करने के बाद शिक्षक बनिएगा, लेकिन बिहार में जो बीएड करने वाले की स्थिति है, ऐसे ही बीएड कर लीजिए, आप भी ऐसे ही सड़क पर भटकिएगा। ये बीएड की स्थिति है, ये आईए की स्थिति है, मतलब ये जो है यूनिक क्लब आर ब्लॉक, जो हमारे बिहार के, हमारे देश के जो युवा की जो स्थिति है, युवा की जो हालात है, उसको एकदम वास्तविक रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ये बीएड वाले स्थिति, बीएड कर करके सड़क पर किस तरह से भटक रहे हैं उसको भी दिखा दिए, पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले सड़क पर किस तरह से सब्जी तोल रहे हैं उसको भी दिखा दिए, और उधर एमबीए और आईटीआई वाले कैसे पकौड़ा बेच रहे हैं वो भी दिखा दिए। क्योंकि आप देखे ही होंगे बिहार में कुछ दिन पहले ग्रेजुएट, तो कुछ दिन पहले एमबीए, तो कुछ दिन पहले ये बीए, तो कुछ दिन पहले बीबीए, सब चाय स्टॉल हमारे पूरे बिहार में लग गया। ये क्या है, अगर डिग्री प्रदर्शन है कि क्या है वहाँ पर? ये बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है कि हमारा बिहार उस बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और जिसका प्रेजेंट जो है, जिसका जो एक प्रतीकात्मक विरोध कह सकते हैं, आप जैसे भी साइलेंट रूप में विरोध कर सकते हैं, वो छठ के दिन शाम का आज अर्घ है यहाँ पर सामने में कर दिया। हो सकता है नेता मंत्री जी यहाँ से गुजरेंगे तो शायद वो देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाए कि हमारे ही राज्य का ऐसा युवा है और इस तरह से भटक रहा है। हो सकता है तो कि आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि संवेदना तो आजकल के नेता में होती ही नहीं है, संवेदना रहती तो हमारे युवा और हमारा युवा वर्ग इस तरह का डिग्री लेकर के आज सड़क पर चाय नहीं बेचता, कोई पकौड़ा नहीं बेचता, कोई यहाँ पर ठेला का दुकान नहीं लगाता, कोई ठेला नहीं खींचता, ये स्थिति है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर यूनिक क्लब आर ब्लॉक के यहाँ पर मेंबर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं आखिरकार कौन कौन से लोग हैं, वो लोग से जान लेंगे तो वो लोग बताएंगे यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। आप भी इसी के मेंबर हैं? इसी के मेंबर हैं? हाँ, हम इसी के मेंबर हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, जो स्थिति यहाँ पर दिखाए हैं, जो मैंने बताया है, जो युवा की स्थिति है, युवा दर दर भटक रहे हैं, उसका एक प्रतीकात्मक विरोध है, क्या मैं सही बोला हूँ या गलत बोला? नहीं, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
जो जो हमारे बिहार में बीत रहा है पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर, उसी को दर्शाए हम लोग। जी आप लोग नौजवान है ना, बिहारी के हैं? जी सब बिहारी हैं। सब बिहारी के हैं जी, इधर आप आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर, किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक सब्जी वाला है वहाँ पर। तो मतलब क्यों ऐसा आप किए, पॉलिटेक्निक को सब्जी वाला बना दिए यहाँ पर? क्योंकि अभी यही हो रहा है बिहार में। यही बिहार में हो रहा है जी। मतलब जो भी डिग्री ले लीजिए, बराबर डिग्री ले लीजिए, और कितने भी एजुकेटेड हो जाए हमारे बिहार में। बिहार में क्या हो रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। मतलब ये इंडिया की स्थिति आप दिखाए हैं जी, इंडिया में पॉलिटेक्निक कर लीजिए और जाकर के सब्जी तोलिए। अब मोदी जी क्या बोलते हैं, पकौड़ा बेचिए, तो दिखा रहे हैं हम लोग। बोले 2 लाख 2 करोड़ रोजगार दे, क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला। तो हम लोग को लाठी डंडा चलेगा? हम लोग तो वो नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, ये सब तो हम लोग कर नहीं सकते। तो हम लोग जो भी है थोड़ा सा मैसेज देने का काम करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार का। अच्छा, तो मतलब पकौड़ा बेचने वाला जो है वो आप लोग दिखाया, उसके बाद आप लोगों ने सब्जी वाला दिखाया। हाँ, दिखाया तो सब्जी यही दिखाया जो कैसे सब्जी यहाँ पर बिक रहा है। हाँ, यहाँ के जो युवा की स्थिति है। एक मेरे एक अंकल है, वो सत्तू बेचते हैं। आज से 15-20 साल पहले ग्रेजुएशन करके सत्तू बेच रहे हैं। ग्रेजुएशन करके सत्तू बेच रहे हैं। उनका नाम है सर्वानंद पंडित, इनके फादर है। इधर आइए। ये भी पढ़े लिखे आज, ये भी लड़का पढ़े हुए बहुत सारा। मतलब बिहार में जो आप सत्तू वाला भी जो है वो भी ग्रेजुएशन करके आएगा? हाँ बताइए, हमारा देश की ये स्थिति हो गई है। कहा जाता है युवाओं का देश है भारत, लेकिन क्या स्थिति है यहाँ पर युवाओं की? बहुत खराब स्थिति है, पूरा दयनीय स्थिति है, पूरा ऑल ओवर बेरोजगार, पूरा इंडिया बेरोजगारी बढ़ी हुई है। स्टेट में क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं हमारे देश की स्थिति को? अपने देश की स्थिति को आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी, कितना भी एजुकेटेड हम लोग हो जाए, मगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पॉलिटेक्निक का स्टैचू लगवाए हैं हम लोग। अगर पढ़ लिख कर भी हम अगर सब्जी बेचेंगे अपने बिहार को देखते हुए, तब समय एजुकेटेड होना ना होना बराबर ही है अपने देश बिहार में। आप लोग बोलते हैं कि रोजगार मिलेगा। अरे कब मिलेगा? आपने तो बोला था, आप तो किए हैं, ये बताइए आप क्या किए हैं? हम क्या किए? कौन सा डिग्री आपके पास? क्या डिग्री कौन सा? मैं मैट्रिक किया हूँ, अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ड्राइविंग कर रहे हैं आप? क्या किए जी? हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं। क्या कर रहे हैं अभी? तो कोई मेडिकल में काम कर रहे हैं, थोड़ा मेडिकल में काम कर रहे हैं। हाँ। क्या किए हैं जी? बीए किए हैं। क्या कर रहे हैं अभी? तो कुछ कर नहीं रहा। कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे क्या उम्मीद है? आगे सर्विस करने का, सरकारी नौकरी करने का। सरकारी नौकरी करने का लग रहा है, सरकारी नौकरी होगा। देख लीजिए बीएड का स्थिति, कुछ नहीं हो सकता है बिहार में। बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, बिहार में कुछ हो ही नहीं करेगा। ऐसा विरोध आप लोग जो किए हैं, ये बताइए, ऐसा विरोध आप लोग किए हैं? नेता मंत्री जी देखेंगे तो क्या? बहुत जरूरी है जी। डर नहीं लग रहा है आपको? डर किस चीज का? आप पूरा डिग्री का बदनाम कर दिए यहाँ पर। डिग्री के कोई बदनामी नहीं है, डिग्री का कोई बदनामी नहीं है। आपको अगर माना कि नेता मंत्री जी गुस्सा जाएंगे तो फिर जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत होगा? दिक्कत कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे लगाया हुआ है, जो सच्चाई है वही दिखाया जा रहा है। सच्चाई है वही दिखाया जा रहा है। क्या किए हैं आप? हम बीए करके बैठल है, बेरोजगार है। कोई काम धंधा नहीं है। बेरोजगार कहने पर गर्व हो रहा है या ऐसा महसूस हो रहा है जो अब क्या करेंगे? महसूस हो रहा है कि पढ़ लिख कर यही काम करना था तो पहले ही करते हैं, बेरोजगार है रहते हैं। क्या कर रहे हैं अभी? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस बेरोजगार बैठे हैं। नहीं जा रहे, किसी के यहाँ खट रहे हैं, किसी के यहाँ खट रहे हैं, पढ़ लेके खट रहे हैं। जो आप लोग ये किए हैं डिग्री का यहाँ पर लगाए हैं, ITI, BA, ये BTEC। देखिए हम लोग का जितना मेंबर है ना, उसमें कुछ ना कुछ लोग पढ़े हुए हैं। पढ़ने के बावजूद भी क्या है ना, उनका नौकरी नहीं लगा। बहुत ट्राई किए, अपना वही शो कर रहे हैं। ये टीम कहाँ से लाए आप लोग, क्या सोच? ये हम लोग का माइंड है, हम लोग का अभी हम लोग का यूनिक चीज होता है यहाँ पे, यहाँ हर साल आपको नया देखने को मिलेगा। हाँ अगला, क्योंकि इसके पहले साल में भी अलग था। इस बार पूरा बेरोजगारी का पूरा थीम लगाए हैं। फिर छठ का दिन क्यों चुन लिए? नहीं तो हम लोग साल में एक साल मनाते ना भैया, साल हम लोग यूनिक करते हैं, करते रहेंगे। साल में एक ही बार में बैठाते हैं हम लोग छठ पूजा, ठीक है ना? इस बार का जो छठ पूजा है वो पूरा बेरोजगारों की बेरोजगारी है। सिंपैथी आप कह सकते हैं उसके लिए, प्रतीकात्मक विरोध किए। सही कह रहे हैं जी भैया। देखिए पढ़े लिखे यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे की बात करते हैं, ठीक है ना?
कि सबको रोजगार मिले। हम लोग तो अनपढ़ हैं, अच्छा। तो जो पढ़े लिखे हैं उसका भी तो रोजगार मिले, तो हम लोग भी रोजगारी करेंगे ना, है कि नहीं? इसलिए हम लोग अपना करते हैं। यूनिक क्लब में सब एक से एक है, सब मैकेनिक ड्राइवर सब है, सब ऑलराउंडर है। छठ का शाम क्यों चुने आप? छठ का शाम क्यों चुने? आज ये शाम का अर्घ है, आज लोग छठ व्रती यहाँ से जाएंगे, पूरे बिहार यहाँ से निकलेंगे, गंगा घाट जाएंगे, उन्हीं को दिखाने के लिए किए हैं हमारे बिहार की स्थिति। अरे भाई, मेरे बिहार के लिए सब चीज सबसे बड़ा महा। अगर नीतीश कुमार जी देख लेंगे तो उनको क्या कहिएगा? हम कहा बोलेंगे सर, गरीब है हम लोग, गरीब से देखिए तो अच्छा रहे। नहीं जी, नीतीश कुमार जी देखेंगे तो क्या कहिएगा? हमको तेजस्वी जी को ये चीज दिखाना है, माननीय उप मुख्यमंत्री है, युवा है, वो करेंगे, उन पे हमको डाउट है, पूरा बिहार को उन पे भरोसा है। देखिए ये आर ब्लॉक है, आर ब्लॉक पर आप देख सकते हैं, एगो इधर, एगो उधर, एगो वहाँ, ये उसका जो गोलंबर है, गोलंबर के ठीक बगल में ये लोग जो है प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। और आगे आर ब्लॉक से सीधे आगे जाइएगा तो जेडीयू कार्यालय, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है, आगे जाइएगा उस तरफ तो आरजेडी कार्यालय, और ठीक आगे चला जाएगा तो बीजेपी कार्यालय। मतलब बिहार के जो मुख्य पार्टी है और देश के जो मुख्य पार्टी है उसका कार्यालय ठीक यहीं पर है, और बीच में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो जीतन रामा जी का, वो भी यहीं पर है। आप हमको ये बता रहे हैं, आपको यहाँ पर ये जितने भी युवा हैं यूनिक क्लब के, ये सभी प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं, विरोध ये कर रहे हैं कि हमारे बिहार की जो स्थिति है और साथ साथ हमारे देश की जो स्थिति है वो यहाँ पर हम लोग दर्शा रहे हैं, और एक शांतिपूर्वक उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग विरोध धरना स्थल पर नहीं जा सकते हैं, लाठी डंडा नहीं खा सकते हैं, इसीलिए हम लोग छठ का दिन, ये शाम जो है, आज ये छठ का शाम का अर्घ है, उसी दिन ये लोग प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग भी इस तरह से जाइएगा तो देख लीजिएगा कैसी क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी और यहाँ के जो भी नेता इस तरफ से जाएंगे तो यहाँ की स्थिति देख लीजिएगा कि यहाँ के युवा की स्थिति कैसी है। हाँ, बाकी आप देखते रहिए, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।